क्या बात है, अभी से आवाज नहीं रहा कि हम लोग जीतेंगे। आप लोगों की उत्साह तो नहीं लगता है? उत्साह कैसा होता है? उत्साह में कोई कमी नहीं है किसी से। अच्छा, जो धमकी देने का भी मामला चल रहा था विपक्षियों के द्वारा बीबीसी को, और क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या लगता है कि कितना सही है या गलत है ये मामला? अब ये तो जो है बीडीसी बता सकता है, अभी हमारे पास तो ऐसा कुछ वो है नहीं, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। क्या मान के चले सारे बीडीसी आपके साथ हैं? 40 40 56 में 56 है 56 में 40 56 तरीके से जो है गांव के विकास को देखते हैं किस तरीके से कर पाएंगे, चाहे वो फंड से संबंधित हो या संसाधन और अन्य संसाधन हो। वो तो जो है जो ब्लॉक से मिलता है वहाँ बाकी इधर उधर से योजनाएं लाई जाती हैं, अब वो तो लाने पे है कितना आप जो है ला सकते हैं, सरकार से ला सकते हैं, इधर उधर से ला सकते हैं, उसी से विकास कराया जाए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही देना चाहते हैं कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो जो है एक अच्छे प्रत्याशी को चुने, और जो है सब मिलजुल के जो है एक अच्छा प्रत्याशी चुन के जो है ब्लॉक पे बैठाएं। ठीक, धन्यवाद। जिस तरह से अभी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें एक तरफ जो है लोगों की खरीद करो की गई, डराया गया, धमकाया गया, इसके बाद अब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा, किस तरीके से देखते हैं ब्लॉक? देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जन विरोधी नीतियां, उनको चुनौती देती रही है, और लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना भारतीय जनता पार्टी के शासन से डरते हैं, ना प्रशासन से डरते हैं, और ना ही इनकी जेसीबी से डरते हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े थे, और जिस तरह से बेईमानी की गई वो किसी से छुपा नहीं है कि हमारे लोगों का अपहरण कर लिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी पे भरोसा है, हमें कमलेश कुमारी जी पे भरोसा है कि जिस तरह से इन्होंने क्षेत्र की जनता में रह करके काम किया है, पूरा काकोरी ब्लॉक, इनको जितने भी बीडीसी है सारे लोग इनको जिताएंगे, और हम लोग समाजवादी पार्टी काकोरी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने जा रही है। वही दूसरी तरफ जो है लोगों का कहना, हम तो 8 के 8 ब्लॉक पे एक तरफा जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति यही दावा करता है, लेकिन सारे लोगों को पता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस पंचायत चुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया, और ये बता दिया कि आपकी जन विरोधी नीतियाँ नहीं चलेंगी, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और उससे ठीक पहले हम सभी ब्लॉकों पे चुनाव जीतने जा रहे हैं, और जिसमें कि आज काकोरी ब्लॉक का जिस तरह से नामांकन हुआ और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। जी, हम मानते हैं आपकी फर्स्ट पार्टी थी जो है जिला पंचायत में, पर जिस तरीके से आपके अध्यक्ष नहीं बन पाए और 67 अध्यक्ष जो है योगी सरकार के बने, जिससे वो अपनी पीठ थपथपा पा रहे, क्या कहना चाहिए? ये योगी सरकार ने नहीं जीता, ये सीबीआई ने जीता है, ये पुलिस ने जीता है, ये डीएम और एसएसपी ने चुनाव जीता है। आप जबरन लोगों का घर तोड़ दे रहे हैं, आप अपहरण कर रहे हैं, और बंदूक की नोक पर आप वोट डरा रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि आदमी डरेगा नहीं? हर व्यक्ति डर रहा है, ये शासन और सत्ता का चुनाव रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही जितने लोग बेईमानी से चुनाव जीते हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेगा, और जहां पर भी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां रही हैं, सभी प्रकार से जो भी जन विरोधी नीतियां रही हैं उसके खिलाफ मुखालफत करती हुई जनता को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।